बहुत हो गया गुस्ताखी, बहुत कर ली बदमाशी, बहुत हम लोगों ने सह लिया। क्या सोच रहे थे, हम लोग कुछ नहीं बोल रहे तो कुछ ना कुछ करते रहोगे और हम लोग हाथ पर हाथ धर करके बैठे रहेंगे। तुम लोग के मन में जो आएगा तुम लोग बदमाशी करते रहोगे और हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अब वक्त आ गया एक्शन लेने का। और क्या सोच रहे थे कि एक्शन कभी नहीं लेंगे, अब एक्शन लेंगे और अब तुम इसका परिणाम भुगतोगे। सुधर जाओ, नहीं सुधरे तो जान लेना फिर। तो फिलहाल आए हैं जी कटिहार के दुर्गा स्थान और यहाँ पर आए हुए अपने एक सिस्टर है, उनका नया नया घर बना है तो उसी का गृह प्रवेश होना है। तो पीछे देख सकते हैं जी वह घर है, अभी आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, अंदर चल करके दिखाएंगे। तो फिलहाल मम्मी पापा जिया सभी लोग अंदर जा चुके हैं और क्रियांश को लेकर के हम आ गए हैं बाहर, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। बाल भी मेरा पूरा क्रियांश बिखेर दिया है। हाँ, तो कोई बात नहीं, चलिए इसको लेकर के चलते हैं, सभी से मिलवाते भी हैं। तो अंदर में जिया और मम्मी का अपना खाना चल रहा है और मैं आपको घर दिखाता हूँ। यहाँ से आपको प्रॉपर आपको दिख रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत घर है जी, दो मंजिला घर है और ठीक एकदम रोड के किनारे है। तो चलते हैं जी अपने दीदी के घर, और जीजाजी यहाँ सामने में ही हैं, जितने भी गेस्ट आ रहे हैं सभी को ग्रीट कर रहे हैं। तो जीजाजी चलिए अपना घर दिखाइए, आइए चलिए चलते हैं। तो जीजाजी के साथ चलते हैं, जिया वहाँ पर खड़ी है, अब बाकी इनका बोर्ड लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर रविशंकर दास और देख सकते हैं जी सब कुछ है, वेटनरी ऑफिसर कटिहार बिहार गवर्नमेंट, तो हमारे सरकारी पदाधिकारी हैं जीजाजी। तो चलते हैं जी अंदर एक एक करके। हाँ, बरखा दीदी भी बीच में आ जाएंगी, ले लेंगे उनको भी, ले लेंगे साथ में। और हमारी मम्मी जो है अपनी कलीग, अपनी सखी, अपनी दोस्त, अपनी बहन जो कहे, क्योंकि बहन से कम नहीं है मम्मी के लिए मंजुला आंटी, हम बचपन से देखते आ रहे हैं। हाँ हाँ, इतना दिन हम अपने माँ बाप के पास नहीं रहे, उतना दिन ये लोग के साथ रहे हैं। हाँ, इससे अलग बात क्या हो सकती है। हाँ हाँ, परिवार जैसा। हाँ हाँ, यहाँ समाज के नाम पर मेरा जहाँ रहते वहाँ बिल्कुल जी। तो इनके बारे में बता दीजिए, जहाँ पर हम आए हुए हैं बरखा दीदी जिनका नाम ले रहे हैं, जीजा जी का नाम ले रहे हैं, तो बरखा दी इन्हीं की बेटी हुई। और एक एक करके जीजा जी अपना घर दिखा रहे हैं, तो फिलहाल गेस्ट सबको ग्रीट कर रहे हैं। अभी थोड़ा बिजी है क्या? नहीं नहीं, चलिए कोई बात नहीं। हाँ हाँ, चलिए आइए। तो यहाँ सामने में है जी घर, तो बाहर से लुक आप देख सकते हैं घर का, तो ठीक एकदम रोड किनारे है, जो मेन रोड है ठीक उसी के सामने है इनका घर। कोई बात नहीं, होम टूर नहीं, थोड़ा सा एक ओवरऑल बस दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ सारे गेस्ट सब हैं और सभी लोग अपना पार्टी में भोजन सब कर रहे हैं, और हम लोगों का तो भोजन हो गया है जीजा जी। हाँ हाँ, एक बार दीदी से भी मिला देते, दीदी को भी ले आते हैं। चलिए चलिए, आप कुछ कुछ सबसे मुलाकात करवा दीजिए। आ गए, हमारे गेस्ट लोग हैं, आए हुए हैं यहाँ पर। अच्छा अच्छा, सारे चीन परिचित सब हैं। हाँ। ओके ओके, चलिए अच्छा। भोजन पानी जी यहीं पर तैयार हो रहा है पार्टी सबके लिए, और देख सकते हैं गृह प्रवेश का तो एक आपको दिख जाएगा, जैसे यहाँ पर कलश दिखेगा आपको चावल से भरा होगा। तो ये हमारी दीदी जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, कुछ दिनों पहले आई थी क्रियांश के बर्थडे में, हम अभी हाथ ही मिलाते हैं, ठीक है, ये पैर भी धुल लेते हैं। तो बरखा दीदी का घर है, तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई बरखा दीदी, ठीक है, काफी खुशी हुई। हाँ, छोटा सा घर ही है, तो बड़ा घर किसको कहते हैं? अच्छा, कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन, बहुत प्यारा भाई। हाँ हाँ, फेमस, जो हमारे दोस्त लोग बहुत देखते हैं। अच्छा, हाँ, लोग हमको दिल्ली से कॉल करती है कि हम लोग उनका ब्लॉग्स देखते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगता है जानकारी ये सब चीज। हाँ, हमारे भाई के थ्रू हमारा घर का टूर कीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, चलिए। तो बरखा दीदी अपना टूर करा रही है, तो यह है कॉमन हॉल, ठीक है। हाँ, कॉमन हॉल के बगल में वह क्या है, वो एक रूम है, वो भी एक रूम है। अच्छा, अंडर कंस्ट्रक्शन है वो। ओके ओके, अच्छा इधर भी चल रहा है क्या? हाँ, यहाँ भी किचन है कंस्ट्रक्शन। ओके ओके ओके, तो ये घर पहले से बना हुआ था, उसको परचेज किया है आपका, ठीक है। चलिए जी, यह तो था नीचे का फ्लोर, अब आपको दिखाते हैं ऊपर का फ्लोर। ऊपर के फ्लोर में जैसे चल रहे हैं, देख रहे हैं कुछ ही देर पहले लगता है पूजा सब हुआ है यहाँ पर। हाँ, और यहाँ रहा यहाँ का कॉमन एरिया, इसी कॉमन एरिया से हर रूम का रास्ता जा रहा है, एक बाथरूम उधर, एक रूम उधर, और एक ये बेडरूम है। ओके ओके, एक बेडरूम उधर है। हाँ, ये बीच में कॉमन है। हाँ, अभी किचन कंस्ट्रक्शन के फेज में है, तो वो अभी हम लोग आपको दिखा नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं, जब बनेंगे फिर रहेंगे हम। आपको कुछ वक्त दीजिए हमको, फिर हम आपको अच्छे से अपने भाई के साथ नेक्स्ट पार्टी में अच्छे से पार्टी में। चलिए बिल्कुल, लोग पार्टी में आ गए, सभी लोगों का भोजन पानी हो गया और सभी लोग अब गाड़ी में धीरे धीरे करके बैठ रहे हैं, और बैठ करके अब सीधा चलते हैं घर। और क्रियांश जो इस बीच में थोड़ा बहुत तबाही मचाया, क्रियांश क्या कर रहा है? हाँ, जय जय, ठीक है, चलो बिल्कुल बिल्कुल। The next day. Good morning.
मॉर्निंग आप सभी को। अभी सुबह के बज रहे 8:30 और मैं आ चुकी हूँ खाना बनाने के लिए नीचे। तो यहाँ पे बन रहा है आलू गोभी की सब्जी जिसको मैं काट रही हूँ, और यहाँ है वाईफाई का वायर क्योंकि पतिदेव आज खुद ही सेट करने वाले, तो देखते हैं खुद से हो पाता है या नहीं हो पाता है। यहाँ देख सकते हैं बंदर मामा को सुबह सुबह छज्जी पे छोड़ गए। बंदर मामा बस सोचते हैं जिसलिए चल रहे हैं वो सफल हो जाए। चलिए हो गया, ये वहां तक वायर पहुंचेगा तब ना हो गया। अब जाते हैं उधर से लेते हैं घिसते हैं। तो यहाँ पे बन रही है रोटी और इधर बन रहा है आलू गोभी की सब्जी। अरे उठ जा भाई, तो यहाँ देख सकते हैं आलू गोभी की सब्जी बन रही है और इधर हमने दाल बना लिया है और इधर भिंडी का भुजिया बन रहा है। तो इतना कुछ बन चुका है क्योंकि हम लोग सवेरे बना लेते हैं, इसलिए क्योंकि क्रियांस के उठने के बाद जो है ना एक आदमी उसके पीछे लगना पड़ता है, जिस वजह से हम फटाफट सुबह 6 बजे ही किचन में आ जाते हैं। चाय वो बना के खाना पीना बन जाता है तो हम सही रहता है, बाकी क्रियांस उधर बहुत बदमाशी कर रहा है। क्या कर रहे हैं आप? क्रियांस के साथ खेल रहे हैं घोड़ा बना करके, पहरा ले रहे हैं, अंदर घुस जाता है गाड़ी के। घोड़ा बन के घोड़ा कभी बंदर बनते हैं आप, कभी घोड़ा बनते हैं। आम थाया आम आम थाया स्टाइल कम दो, स्टाइल कम दो। ये बस बाइक के आगे पीछे दौड़ते रहता है ये भैया भैया। तो हमारा खाना पीना सब कुछ बन चुका है और अभी बज रहे हैं दिन के 10। क्रियांश जो है एकदम भरपूर मात्रा में बदमाशी कर रहा है। क्रियांश अब करना मुझे अपने रूम की सफाई, कपड़े उपड़े क्रियांश को पूरा फैला के रख दिया है। मेरा बेटा रूठ गया है थोड़ा सा क्योंकि जो है ना पापा से डांट पड़ी है। नहीं पापा से डांट पड़ी है, रूठ गया है। अब मान जाओ भाई, रूठता है एकदम लड़की की तरह, तुरंत आंख में आंसू आ जाता है। मम्मा को प्रियांशी अब गुस्सा खत्म करो, अब गुस्सा खत्म करो, जाओ पापा पास जाओ, जाइए दादी को लगा दो।
चलते। बहुत हो गया गुस्ताखी, बहुत कर ली बदमाशी, बहुत हम लोगों ने सहा लिया। क्या सोच रहे थे, हम लोग कुछ नहीं बोल रहे तो कुछ ना कुछ करते रहोगे और हम लोग हाथ पर हाथ धर करके बैठे रहेंगे। तुम लोग के मन में जो आएगा तुम लोग बदमाशी करते रहोगे और हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अब वक्त आ गया एक्शन लेने का। और क्या सोच रहे थे कि एक्शन कभी नहीं लेंगे, अब एक्शन लेंगे और अब तुम इसका परिणाम भुगतोगे। सुधर जाओ, नहीं सुधरे तो जान लेना फिर, क्योंकि हमारे घर का जो एक एक कोना कोना है, हमने एक भी स्पॉट नहीं है जिसको छोड़ रखा है या जो कैमरे की नज़र में नहीं हो। और खास करके हमारा तो है ही घर, और जो हमारे पड़ोस है आसपास के वह भी सीसीटीवी के निगरानी में आ रहे हैं। तो अगर आप हमारे पड़ोसियों के यहाँ भी जाने की कोशिश करेंगे तो वह भी आ जाएंगे। जी हाँ, हमारे घर में जो है एक बार चोरी हो चुकी है, और एक बार जब हमारे घर में चोरी हुई थी, घर में जितना भी सामान था हम लोगों का, लगभग ज्वेलरी पैसा लगभग सब कुछ हम लोगों का चला गया था। तो उसके बाद से जो है हम लोगों ने अपने घर में कुछ भी महंगा सामान रखना छोड़ दिया था। लेकिन अब जो है ना, कहते अपनी सुरक्षा के लिए, खुद के लोगों की सुरक्षा के लिए, तो हम लोगों ने जो यहाँ पर कैमरा लगा दिया है। और जब भी कोई चोर वहाँ से सब आएंगे, पकड़े जाएंगे जी कैमरा में। हाँ, बस एक बार पकड़े जाए आप, इसलिए गलती मत कीजिएगा यहाँ आने का, वरना पकड़े जाएंगे। और खास करके क्या है कि जैसे ही कोई कैमरा में नज़र आएगा, उसमें मोशन सेंसर लगा हुआ है, तुरंत यह नोटिफिकेशन आ जाएगा और हम देख लेंगे उसी एट ए टाइम। हाँ, तो ऐसा करके हम लोगों ने लगवाया हुआ है जी। नहीं, अलार्म है किसी किसी कैमरा में, सब में नहीं लगवाया है, लेकिन क्यों बता कि किस कैमरे में है, किस कैमरे में नहीं। बिल्कुल जी, तो ऐसा ही है जी। और अब अपने घर की सुरक्षा के लिए और अपने जो भी फैमिली मेम्बर है घर के, सभी जनों के सुरक्षा के लिए हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा लगा लिया है। और सीसीटीवी कैमरा का कॉस्ट मुझे लग रहा था कि अच्छा खासा होगा, लेकिन जी नॉमिनल कॉस्ट है, और जो भी मुझे लगता है कि अफोर्ड कर सकते हैं उसको ज़रूर लगा लें। और सही है जी, अपना तो लगवा लिया है और क्रियांश भी चला गया है। होता क्या था जी, हम लोग घर से 2-3 घंटे के लिए भी निकलने के लिए सोचना पड़ता था हम लोगों के फैमिली मेम्बर को। होता यह है, क्योंकि हो चुका है कई बार, कि बस पता चलना चाहिए कि इसके घर में जो है कुछ देर के लिए कोई नहीं है, कुछ ना कुछ चोरी हो जाती थी। तो ऐसा सिचुएशन है, तो इसी सबसे बचने के लिए हम लोगों ने जो है कैमरा लगवा लिया है। और उम्मीद करते हैं जी अब सब कुछ सही रहे, सुरक्षित रहे। और ऐसा हमने सिस्टम किया हुआ है कि अगर कोई एक कैमरा को डिस्टर्ब करने जाएगा ना, दूसरे कैमरे में आ जाएगा। होता है ना कि बहुत चोरी करने से पहले जो है, हाँ, चोरी करने से पहले होता है क्या कि पहले कैमरा को डैमेज कर दे, फिर उसके बाद देखेंगे। तो इसमें है कि एक कैमरा को डिस्टर्ब करने जाएगा, दूसरे कैमरा में आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने सेटिंग किया है। तो प्रयास चले अब, बाय कर दीजिए। हाँ, तो हम लोग जी अभी जाने वाले हैं होटल, और इस बार का जो एनिवर्सरी हम लोग करने वाले हैं एक 5 सितारे होटल में। जी हाँ, और बहुत ही अच्छा जैसा सब कुछ होगा। बस आप लोग दुआ कीजिए, सब कुछ मस्त रहे और जैसा हम लोग सोच रहे हैं सब कुछ अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।